भावना गुडफील में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरी मम्मी मेरे लिए आलू बड़े बनाने जा रही हैं, तो मेरी मम्मी ने सोचा कि इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूं। तो चलते हैं किचन में और देखते हैं कि मेरी मम्मी आलू बड़े कैसे बनाती हैं। रेसिपी बनने के बाद हम आपको टेस्ट करके बताएंगे। और ये आलू बड़े इतने टेस्टी लगते हैं, आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिए अपने घर पे, और अपने हेल्दी और फिट फैमिली के लिए ये जरूर ट्राई कीजिए। आप सबने देखा, बच्चों की खास डिमांड पर मैं आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए लिए हैं आलू बड़ा बनाने के लिए लिए हैं मैंने ये थोड़े से आलू लिए हैं, जिसको मैंने बोल्ट करके पील ऑफ कर लिया है इसकी स्किन को, और लिया है थोड़ा सा बुकवीट फ्लोर, ये लिया है कुट्टू का आटा जो होममेड है, मैंने खुद ही इसे घर पर रेडी किया है, और कुछ मैंने स्लाइस लिए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें आलू का मसाला रेडी करना है। तो मैं इसमें डाल देती हूँ 1 स्पून, मैं इसमें घी डाल देती हूँ, इसे मेल्ट होने देती हूँ पहले। तो घी हो गया है मेल्ट, तो मैं इसमें डाल देती हूँ ये जीरा डाल देती हूँ, और जीरा के बाद डालूंगी ये चॉप की हुई ग्रीन चिली है, 2 ग्रीन चिली है, तो मैं इसको डाल देती हूँ, जिसको मैंने धो के काट लिया था बारीक, और मैं इनको हल्का सा गोल्डन कर लेती हूँ तब तक थोड़ी सी क्रिस्पी ना हो जाए। तो ग्रीन चिली हो गई है थोड़ी सी क्रिस्पी, कुरकुरी हो गई है, फ्राई हो चुकी हैं ये घी में। तो इसके साथ मैंने ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। तो ये डाल देती हूँ इसमें ग्रेटेड जिंजर, और इसके भी हल्का सा मैं भून लेती हूँ 2 मिनट के लिए। तो हरी मिर्ची और ग्रेटेड जिंजर हो गया है हल्का सा, ये पक चुका है घी में। तो इसके बाद मैंने ये काली मिर्ची और लौंग का पाउडर बना, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये काली मिर्ची और लौंग का जो पाउडर है, इसको भी हल्का सा मैं लो फ्लेम पर पका लेती हूँ। और इसके बाद में मैंने एक छोटे साइज का ये टमाटर लिया था, जिसको मैंने वॉश करने के बाद में छोटा छोटा चॉप कर लिया है। तो टमाटर भी इसमें डाल के मैं इसको भी हल्का सा भून लेती हूँ, जब तक इसकी स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती है। तो टमाटर की स्किन एकदम सॉफ्ट हो गई है और टमाटर पक चुके हैं, और जो भी मैं इसमें मसाला यूज किया था वो सब इसमें पक चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। और इसके बाद में जो आलू मैंने बॉईल किए थे उनको मैं इसमें डालती हूँ। ओके, तो मैं इनको डाल देती हूँ और कढ़ाई में ही इनको मैं मैश कर लेती हूँ। तो आलू को मैंने मैश करके डाल दिया है इसमें। तो आलू डालने के बाद में मैंने ये भुना हुआ जीरे का पाउडर लिया है, रोस्टेड जीरा पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है मैंने लाहौरी नमक, सेंधा नमक लिया है। और इसके बाद फाइनली लिया है मैंने मिंट लीव्स लिए हैं, फ्रेश मिंट लीव्स हैं, जिसको मैंने वॉश करने के बाद में काट लिया है, इसे चॉप कर लिया है। तो मैं इसको भी डाल देती हूँ मिंट लीव्स को, और इस तरह से मैं इसको डाल देती हूँ, और सबको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। और देखिए, आप देख सकते हो कितना कलरफुल इसका आलू का मसाला रेडी हो रहा है। और आप आलू को अच्छी तरह से मैश कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई गांठ नहीं होनी चाहिए। तो जितना हो सके आप इसे इस तरह से स्पून की हेल्प से इसे मैश कर लीजिए, जो भी इसकी मोटे मोटे पीसेस हैं उन्हें इसी तरह से आप मैश कर सकते हो। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है, और आलू के जो मोटे मोटे पीसेस थे इस तरह से आप इसे तोड़ लीजिए, और अच्छी तरह से आप इसे मैश कर लीजिए, ताकि इसमें एक लोच पैदा हो जाए और ये जो हम इसके अब बॉल बनाएंगे वो आराम से इजीली बन सकें। तो देखिए, मेरे को बिल्कुल मैश कर लिया है। तो अपना फ्लेम कर देती हूँ बंद, और आलू बड़े का मसाला रेडी हो चुका है। तो फ्लेम को बंद कर दिया है, और मैं इसे पलट लेती हूँ प्लेट में। तो मैंने इसे एक प्लेट में पलट लिया है ताकि ये ठंडा हो जाए, तो इसे पहले ठंडा कर लेते हैं। तो आलू का मसाला मैंने ट्रांसफर कर लिया है इस प्लेट में, और जब तक ये मसाला ठंडा होता है तब तक हम कूटू के आटे का घोल रेडी कर लेते हैं। तो इसे रखती हूँ एक साइड। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 बाउल, और इसमें मैं डाल देती हूँ ये बुकवीट फ्लोर, कूटू का आटा डाल देती हूँ। और इसको डालने के बाद मैं डालूंगी इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मसाले में भी मैंने सॉल्ट ऐड किया है, तो मैं इसमें आटे के हिसाब से ही सॉल्ट ऐड करूंगी। और अब मैं इस कुट्टू के आटे में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका एक गाढ़ा घोल रेडी करूंगी। ओके, तो आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इसमें एक गाढ़ा घोल इसका रेडी कर लीजिए। और इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर आप इसका एक गाढ़ा घोल रेडी करेंगे। तो थोड़ा सा भी ये गाढ़ा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करती हूँ, और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर आप इसको एक बढ़िया इसका फाइन घोल बना लेंगे। तो इस तरह इसे लगातार फेंटते हुए मुझे 5-6 मिनट हो चुके हैं, और एकदम स्मूथली इसका एक गाढ़ा घोल मैंने बना लिया है। और आप देख सकते हो पास से, आपको इतना इसे गाढ़ा रखना है। तो घोल हो चुका है एकदम रेडी, तो मैं इसे कर देती हूँ एक साइड में। तब तक हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है, और मैं इस मसाले के छोटे छोटे बॉल बना लेती हूँ इस तरह से।
इस तरह से मैं इसके छोटे छोटे बॉल बना लूंगी। जिस तरह के आपको इसके बड़े चाहिए उतनी ही तरह के आप इस पे बॉल बना लेंगे। तो मैं इसके ऐसे बॉल बना लेती हूँ, जितना आपको मोटा बड़ा चाहिए उसकी हिसाब से आप इसके मसाले के बॉल बना लीजिए। और मैंने आलू के मसाले के जो बॉल बनाए थे वो बॉल भी रेडी कर लिए हैं, और इधर ये कुट्टू के आटे का बैटर भी रेडी हो चुका है। तो मैं इसे बिल्कुल अच्छी तरह से एक बार और फेंट लेती हूँ 1-2 मिनट के लिए। और देखिए इस तरह से इसका घोल बना है। और उधर कढ़ाई में डाल दिया है मैंने ऑयल, फ्लेम चालू कर दिया है, तो हमारा ऑयल भी गर्म होने वाला है। तो इसमें डालते हैं बड़े। तो बड़े फ्राई करने के लिए मैं आपको बताती हूँ, इस तरह आप एक चम्मच ले लीजिए बड़ा वाला, ताकि आप एक बॉल उठा के एक बार में डाल सकें। तो मैं ये एक बॉल लेती हूँ और इस बैटर में डालती हूँ, और इसे हल्का सा मैं डिप करने के बाद में इसे एक बार में ही इस तरह से उठाऊंगी, और थोड़ा सा इसे इस तरह से पोंछ लीजिए और एक बार में ही एक बड़ा डाल दीजिए इस तरह से। और इस तरह से आप इसमें डालिए बैटर में, और ऊपर से ये बैटर लगाइए इसका, और एक बार में ही इसका एक बॉल उठाइए और इस तरह से डाल दीजिए। इस तरह मैं सारे अपने बड़े रेडी कर लेती हूँ। आराम आराम से आप सारे बड़े डाल दीजिए, और इस तरह से आपको एक बॉल डालना है इस घोल के अंदर। ऊपर से आपको मसाला डिप कर देना है ये इसका बैटर, और एक बार में एक इसका बॉल उठाइए और डाल दीजिए। बहुत ही इजी है, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए मैं इस तरह से बहुत ही आराम से ये सब हो पा रहा है। और देखिए इस तरह से डाल दीजिए, एक तरफ अच्छी तरह से सिकने के बाद में आप इनको धीरे धीरे आराम से पलट दीजिए दूसरी साइड में, जहाँ से ये कच्चे हों। तो इस तरह से आप इनको हल्का गोल्डन जैसा भी आप कुरकुरा चाहें आप तो इनको डार्क भी कर सकते हो। तो मैं इनको पलट दिया है सबको, और मैं इनको कुरकुरा होने का तलूंगी। तो हो गए हैं 5-6 मिनट, और मैंने इनको अलट पलट के सेक लिया है, बहुत ही कुरकुरे सके हैं। तो मैं इनको पलट लेती हूँ और फ्लेम कर देती हूँ बंद। इनको मैंने पलट लिया है, ओके। तो देखिए बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो आलू के बड़े हो चुके हैं एकदम बनके रेडी, और इनकी करती हूँ मैं प्लेटिंग। और देखिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी कुरकुरे बने हैं। और साथ में रख लेती हूँ दही, क्योंकि आलू के जब ये कुट्टू के आटे के जो बड़े बनते हैं तो उसके साथ में दही का कॉम्बिनेशन बहुत ठीक रहता है। दही आपको इसके साथ ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये कुट्टू के आटे की तासीर होती है गर्म और दही होता है ठंडा। तो इसको खाने के बाद में गर्मियों में जब ये नवरात्रे पड़ते हैं तो इसमें थोड़ा जलन हो जाती है गर्मी की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर आप दही के साथ खाएंगे इसे। तो दही के साथ ही कुट्टू का आप रेसिपी ले सकते हो। तो आलू के बड़े मैंने कर दिए हैं रेडी, तो देखते हैं बच्चे क्या कहते हैं इनको खाकर। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम इन्हें टेस्ट करके बताएंगे, तो देखिए हम इन्हें टेस्ट कर रहे हैं। तो ये चटनी है हरी वाली व्रत वाली, आप इसका वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हो, ओके। तो देखते हैं कि ऐश्वर्या, हाँ तो देखिए क्या कहती हैं ये, और इनको पसंद आता है या नहीं आता है, तो चेक करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मेरी मम्मी ने ये इतने टेस्टी बनाए थे, इतने हेल्दी हैं, आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा व्यूज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और जय माता दी, जय माता की।